गुड मॉर्निंग चाइल्ड, टुडे वी हैव स्टडी अबाउट लर्निंग। सीखना क्या होता है? सीखना एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से शुरू होती है, स्टार्ट फ्रॉम बर्थ एंड टिल एंड इन द डेथ, मृत्यु तक चलती रहती है। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अब बात आती है सीखना है क्या। जैसे इसमें अपने सिलेबस में है सीखना, तो सबसे पहले सीखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, क्या सीखना है, यानी कि कोई भी चीज सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या सीखना है। गणित सीखना है, विज्ञान सीखना है, अंग्रेजी सीखना है, साइकिल चलाना सीखना है, ट्रैक्टर चलाना सीखना है, बाइक चलाना सीखना है, क्या सीखना है। फिर सीखने की प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी कि उसकी सीखने की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी। एक दिन में सीखना है, 2 दिन में सीखना है, सीखने की मेथोडोलॉजी क्या होगी, तरीका क्या। फिर सीखने का क्या उद्देश्य है, कोई भी चीज है वो सीखने जा रहे हैं वो क्यों सीखने जा रहे हैं, क्या रीजन, उस सीखने से हमें क्या फायदा होंगे, क्या एडवांटेज होंगे और क्या डिसएडवांटेज होंगे। तो ये है सीखना। अब पहले तो बात आती है सीखना क्या है, इसके अलग अलग दृष्टिकोण के आधार पर समझा, अलग अलग व्यू के आधार पर समझ सकते हैं। एक दृष्टिकोण के अनुसार सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है, यानी कि किसी स्थिति के प्रति ऑपरेंट एक्टिविटी है, यानी किसी स्थिति के प्रति जितनी हम एक्टिव होकर प्रतिक्रिया करेंगे उतना ही हम किसी चीज को तीव्र गति से सीखेंगे। अगर किसी स्थिति के प्रति हम एक्टिव नहीं है तो हम उस चीज को नहीं सीख सकते। देखो, किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होगा। मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी है, भूख, प्यास और नींद, ये क्या है, मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। इन परिस्थितियों के प्रति व्यक्ति द्वारा की गई प्रक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त अनुभव, जितना भी इन परिस्थितियों के प्रति मूल प्रवृत्ति है उनके प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं, उनके फलस्वरूप, प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप जितना भी हमें अनुभव आता है, जितना ही हमारा एक्सपीरियंस होता है, वह समझ होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीखना बोलते हैं। और उससे हमारे ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है तथा संशोधन होता रहता है, जिसे सामान्य तौर पर हम सीखना कहा जा सकता है। उदाहरण के स्वरूप हम देखो, जब बच्चे को भूख लगती है तो वह क्या करता है, रोने लगता है। उसकी माँ उसकी भूख मिटाने का प्रयास करती है, उसके लिए वो क्या करती है, उसे दूध पिलाती है। बच्चा यह सीख लेता है जब भूख लगे तो उसे क्या करना चाहिए, रोना चाहिए, और रोने पर क्या होगा, माँ उसे दूध पिलाएगी। भविष्य में इस प्रकार की परिस्थिति जब भी आती है तो बच्चा क्या करने लगता है, रोने लगता है। अब बच्चे ने क्या करना सीख दिया, भूख को शांत करने के लिए चिल्लाना शुरू किया, चिल्लाने से उसकी भूख शांत हो जाएगी, माँ उसको दूध पिला देगी। आगे जब हम बच्चे में आयु के अनुसार 2 या 3 साल का हो जाता है बच्चा, तो उसमें किसका विकास हो जाता है, भाषा का विकास हो जाता है। पहले तो चरकर्दन करता है, जैसे मैं, माँ, माए, दाए, दा, नए, ना, जो भी है, नाना है, दादी है, मामा है, उनका एक आधा शब्द बोलता है, उसको चिल्लाना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है, उसके माध्यम से सीखता है अपनी बात को प्रकट करना। दूसरा वो कैसे सीखता है, भाषा के माध्यम से। भाषा का विकास कौन सी अवस्था में होता है, दूसरे वर्ष में। अब आगे करते हैं। आगे आता है भाषा के माध्यम में अभिव्यक्ति सीखना क्या है, भाषा के द्वारा व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहा है। दूसरी चीज आती है सीखना क्या है, मनुष्य के विशेष प्रकार के व्यवहार करने के फलस्वरूप से जो मूल व्यवहार में परिवर्तन होता है वो क्या है, सीखना है। देखो, एक उदाहरण के सामने माध्यम से हम सीखने हैं। मीना नाम की एक लड़की है, एक दिन उसके अध्यापिका ने कक्षा में उसे लीवर के बारे में, यानी कि उत्तेजक के बारे में बताया, परंतु मीना को समझ में नहीं आया कि लीवर है क्या, लीवर का क्या काम करता है। यह बात उसने अपनी बड़ी बहन को बताई, बड़ी बहन ने उसकी व्याधि को समझा, उसकी समस्या को समझा और उसे खेत में ले गई। बड़ी बहन का नाम क्या था, तारा। तारा ने उसे खेत में ले जाकर एक लकड़ी का बड़ा सा ठूंठ था उसको उठाने के लिए कहा। उसने हाथ लगाकर उठाने की कोशिश की मीना ने, परंतु वह उसे नहीं उठा पाई। तो उसको उठाने के लिए तारा ने क्या कहा, एक बांस का ठूंठ जो साइड में पड़ा था उसको उठाकर लाई और जो बांस का ठूंठ था उसके एक बीच में लगाया और उसको ऊपर से एक तरफ दबाना शुरू कर दिया, एक ठूंठ का जो हिस्सा था बांस का उसको बड़े वाला ठूंठ था उसके नीचे लगा दिया। तो फिर क्या हुआ, वो लकड़ी हिलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई। इसी प्रकार एक दिन मीना स्कूल जा रही थी, स्कूल जाते उसे रास्ते में बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया, उस पत्थर को उठाने के लिए मीना ने बांस का लेकर आई और बांस से एक बांस का टुकड़ा है वो पत्थर के नीचे लगाया और उसको उठाने की कोशिश की, धीरे धीरे उस पत्थर को साइड में कर दिया। तो ये क्या है, लीवर का काम अब मीना को अच्छी भली भांति से समझ में आ गया।
अब आगे है सीखने की क्षमता के बारे में स्वयं के विचार एवं सामाजिक धारणा। अब क्या सीखा जा सकता है, व्हाट इज लर्निंग, क्या नहीं सीखा, व्हाट इज नॉट लर्निंग, क्या सीखा जा सकता है और क्या नहीं सीखा जा सकता, यह क्या कोई व्यक्ति कुछ भी सीख सकता है, क्या सीखने की क्षमता होती है, सीखने संबंधित इन मुद्दों को लेकर हम कुछ मौलिक विचार होते हैं, इनके आधार पर हम तय करते हैं किसी विशेष परिस्थिति में किस प्रकार से सीखने के तरीके अपनाना है, अनुमान लगाते हैं। अन्य लोगों को विशेषकर बच्चे कैसे सीखते हैं, सीखने की क्षमता का व्यक्तिगत विविधता, यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया है उस पर किसका असर पड़ता है, इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विविधता, हर व्यक्ति की सीखने की क्षमता है वो क्या है, अलग अलग है। कोई सीखने की गति किसी की तीव्र होती है और किसी की सीखने की गति है वो क्या होती है, धीमी होती है। फिर क्या है, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, किसी में जिज्ञासा प्रवृत्ति ज्यादा होती है वो सीखने की प्रक्रिया उसमें क्या होगी, तीव्र। अगर किसी में जिज्ञासा की प्रवृत्ति नहीं है तो सीखने की प्रक्रिया क्या होगी, धीमी। रुचि, सीखने पर रुचि इंटरेस्ट का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, अगर किसी विषय वस्तु को सीखने में आपकी रुचि है तो आप उसे तीव्र गति से सीखेंगे, अगर सीखने में उसमें रुचि नहीं है तो आपकी सीखने की गति क्या होगी, धीमी होगी। इसके मदद से हम आगे पढ़ सकते हैं। गैलिलियो ने भी कहा है कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो व्यक्ति के अनुभव पर है। देखो, जब आप व्यक्ति को कुछ भी सिखा नहीं सकते, गैलिलियो ने क्या कहा, आप व्यक्ति को कुछ भी नहीं सिखा सकते, आप केवल व्यक्ति को उसे स्वयं के भीतर खोजने में मदद कर सकते हैं, यानी कि आप व्यक्ति को सिखाने वाले नहीं है, व्यक्ति को स्वयं उसके अंदर है, कैपेसिटी है, उनके आधार पर ही आप कुछ ना कुछ सिखा सकते हो। सीखने के बारे में कई धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो, रेखा एक पढ़ने में कमजोर लड़की है, उसके माता पिता अक्सर परेशान रहते, वो पढ़ाई में कमजोर है तो उसका भविष्य क्या होगा। एक दिन उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाले मित्र हैं उनके यहाँ गए, मित्र को अपनी समस्या बताई और बताया भी, हमारी जो रेखा नाम की लड़की है वो पढ़ने में बड़ी कमजोर है, उस विद्यालय में उसका मन नहीं लगता तो क्या है। तो पड़ोसियों ने ये सुझाव दिया भी रेखा की रुचि क्या है, तो उन्होंने बताया भी रेखा की रुचि तो खेलने कूदने में, तो पड़ोसी ने बताया भी अगर उसकी खेलने में रुचि है तो उसे खेलने कूदने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए, और जो रेखा के अध्यापक है उनसे आपको वार्तालाप करनी चाहिए, उनको मिलकर आप बैठकर आमने सामने डिस्कस करना चाहिए, भी आप खेल के माध्यम से इन्हें कोई चीज सिखाने की कोशिश करो। जब ये तौर तरीके रेखा के माँ बाप ने अपनाए और रेखा के अध्यापक ने अपनाए तो देखना रेखा की पढ़ने में रुचि होने लगी, यानी कि पढ़ने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, सीखने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, रुचि की, इंटरेस्ट की। फिर बात आती है सीखने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पूर्व प्रचलित धारणाएं कौन सी है, सामाजिक धारणाएं कौन सी है और वर्तमान में सामाजिक धारणाएं क्या है। देखो, पहले तो हम पूर्वज की बात कर रहे हैं, सीखने की जो प्रक्रिया है प्राचीन काल में सीखने का केंद्र बिंदु अध्यापक माना जाता था, अध्यापक अपने डंडे के बल पर विद्यार्थी को जैसा चाहे वैसा सिखा सकता था, तो इसी से मिलती जुलती एक पूर्व में प्रचलित सामाजिक धारणा है, वो क्या है, समाज में यह आम धारणा यह रही है कि बच्चे कुछ नहीं जानते, वे क्या है, कोरी स्लेट है, ये बिना बड़ों की मदद से कुछ भी नहीं सीख सकते। इस धारणा के अंतर्गत बच्चों में सीखने को एक नियंत्रित प्रक्रिया के रूप में, कंट्रोल्ड कंडीशन के रूप में माना गया है, भाई आप कंट्रोल परिस्थिति में बच्चे को रोकोगे तो बच्चा कुछ ना कुछ सीख जाएगा। आज विद्यालय में विद्यार्थी को कह दिया भी तेरे को 8 घंटे विद्यालय में जाना है, तो 8 घंटे बेला खाली तो नहीं बैठ सकता, खाली नहीं बैठ सकता तो वहां कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ अध्यापक पढ़ाएंगे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वो सीख कराएगा। ये तो है प्राचीन काल की अवधारणा, या पूर्व में आज तक जो सामाजिक धारणा चल रही थी, एंजुक्शन चल रही थी वो। आज वर्तमान में सामाजिक धारणा क्या है, इस प्रचलित धारणा में जब हम बदलाव वाले लगा, यानी कि अध्यापक के स्थान पर शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन आ गया, विद्यार्थी आ गया। आज सीखने में प्रक्रिया के दौरान में हमें पहले पता होना चाहिए विद्यार्थी की रुचि सीखने में है या नहीं, क्षमता है भी है कि नहीं, उसका विषय वस्तु के प्रति लगाव है या नहीं। इस प्रचलित धारणा में बदलाव आने लगा, समाज में यह स्वीकारना शुरू कर दिया कि बच्चों में ज्ञान समाहित होता है, यानी कि बच्चों में ऑटोमेटिक ज्ञान है, स्वयं ही ज्ञान या निर्माण करते और सीखते, यानी बच्चा स्वयं ही ज्ञान का कंस्ट्रक्शन करता है और उसे लर्निंग करता है। दूसरी धारणा क्या है, इस धारणा के अनुसार यह माना है कि सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑल चाइल्ड आर इक्वल बट नॉट, क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। देखो, कोई तो शारीरिक रूप से डिफरेंस पाया जाता है, कई बच्चे कक्षा कक्ष में लंबे होते हैं एक ही आयु वर्ग के होते हुए, कई लंबे होते हैं कई बोने होते हैं एक ही आयु वर्ग के होते हैं, कोई तो बच्चे बुद्धिमान होते हैं कोई मंदबुद्धि होते हैं, कोई हीन होते हैं कोई सामान्य बुद्धि होते हैं, कोई जड़ होते हैं कोई मूर्ख होते हैं कोई महामूर्ख होते हैं, तो ये क्या है, उनका जो सीखने का स्तर है वो क्या है, इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत विविधता।
पाई जाती है। इसके विपरीत वर्तमान में जो परिवर्तित धारणा है वो कह रहा है सीखने की जो प्रक्रिया है, सीखने की क्षमता है, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंस ज्यादा है। बच्चे का IQ लेवल है 0 से लेकर 150 या 160 या 160 से वो तक होता है, यानी कि कोई बच्चा मूर्ख है, कोई महामूर्ख है, कोई मंद बुद्धि है, कोई सामान्य बुद्धि का है, कोई उच्च बुद्धि का है, कोई प्रतिभाशाली है, ये बच्चे के व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तीसरी बात आती है सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें महिला व पुरुष, प्राचीन काल की अवधारणा दी कहती है सीखने की प्रक्रिया के दौरान महिला व पुरुष में इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। महिलाओं में सीखने की क्षमता प्राचीन काल की धारणा के अनुसार क्या है, सीखने की क्षमता क्या है, बिल्कुल ही नाम मात्र है या कम है, और पुरुष में सीखने की क्षमता क्या है, अधिक है। अब बात करते हैं वर्तमान में धारणा क्या है। वर्तमान में यह धारणा है भी महिलाएं या पुरुष से ज्यादा सीख सकती है, चाहे किसी क्षेत्र में ले लो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, चाहे सैन्य क्षेत्र में ले लो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में ले लो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ले लो, चाहे कंपनियों के संबंध में ले लो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में ले लो, महिला हर क्षेत्र में आगे है। तो सीखने की क्षमता पर महिला व पुरुष का वर्तमान धारणा के अनुसार कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथी बात आती है सिर्फ किताबी ज्ञान, प्राचीन काल की अवधारणा तो यह कहती है सिर्फ किताबों से ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किताबों से ही हम कुछ सीख सकते हैं, परंतु जो वर्तमान की अवधारणा है वो कह रही है सिर्फ किताबों से ही ज्ञान नहीं प्राप्त करते, कोकुलर एक्टिविटी ये पाकट है सहगामी जो क्रियाएं हैं उनके माध्यम से हम कुछ सीख सकते हैं। जैसे विद्यालय में कोकुलर एक्टिविटियां संपादित की जा सकती है, खेल कूद है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, चित्रकार प्रतियोगिता है, स्काउट का कैंप है, NSS कैंप है, तो ये क्या है सीखने की विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं है। थैंक्स।